यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस, दैट इज आईएएस नॉलेज मंत्र पर। तो आगे पढ़ने से पहले बता दीजिए स्टूडेंट्स, इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन आउट हेयर लेट मी नो। यस, गुड मॉर्निंग प्रभाकर, मुकेश, मनीषा, किरण, सी एस वर्क, अनिशा, विजेता, पूर्वा, मेघा, एवरी वन आउट हेयर। तो लेट मी नो, बढ़ चला जाए क्या करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। तो थोड़ा टाइमलाइंस, कल सेशन नहीं हुआ था, आज डिस्कस करेंगे कल के न्यूज़ के बारे में। और आज भी थोड़ा डिले सेशन चालू हुआ। धनतेरस की शुभकामनाएं सबसे पहले आप सभी लोगों को। एंड आज एक और सेशन रहेगा, एडिटोरियल्स एक दो और कल के हम लोग डिस्कस करेंगे आज शाम तक में। और आइए अगले 90 मिनट डिस्कस करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट छपा है कल और आज के करंट अफेयर्स सेशन, करंट अफेयर्स के डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में। यस, लेट मी नो स्टूडेंट्स, इज एवरीथिंग फिट एंड फाइन इन द चैट बॉक्स, मुझे बता दीजिए। तो चलिए बढ़ चलते हैं। 2 मिनट्स, ओके, ऑल गुड, ओके, लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। तो मैं बता दूं दैट आईएएस टॉपर्स मंत्र बेस्ड इन पुणे हैज लॉन्च्ड वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन कोर्सेज में फ्री कोर्सेज भी हैं और पेड कोर्सेज भी हैं। फ्री कोर्सेज में रीजनिंग और क्वांट एप्टीट्यूड सीसेट फ्री पूरा किया गया है 2024 के प्रीलिम्स के लिए। मैपिंग सेशन भी पूरा फ्री किया गया 2024 के प्रीलिम्स के लिए। एंड इससे बेहतरीन सेशन नहीं हो पाएगा। ऑल इंडिया रैंक वन में श्रुति शर्मा 2021 शेड रिकमेंडेड दिस चैनल फॉर मैपिंग सेशंस। एंड सक्षम मेंटरशिप क्लासेस आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इट्स अ पेड कोर्स 7 मंथ्स इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, स्टैटिक रिवीजन, करंट अफेयर्स, सब कुछ, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, 20,000 रुपीज, 7 मंथ्स। दिस कोर्स इज देयर सक्षम मेंटरशिप क्लासेस, ऑफलाइन कम ऑनलाइन। So those who are interested, they can go for the following mobile numbers, contact upon them, 9988-7354, 9988-7358। और जिन्हें अलग से टेस्ट सीरीज देना, 24 नवंबर से टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है स्टूडेंट्स। और यस, इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मींस डिटेल्ड सिलेबस, शेड्यूल तो यहां पर देख ही रहे हैं आप, सिलेबस आज शाम को आ जाएगा। धनतेरस के दिन आज शाम को टेस्ट सीरीज का पूरा सिलेबस डिटेल्ड आ जाएगा सारे टेस्ट का। और चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। जिन लोगों को भी ये कोर्स लेना है, टेस्ट सीरीज अलग से लेना है, 7,500 रुपये, 20 टेस्ट ऑफ जीएस एंड बाद में 12 टेस्ट सी सेट के अनाउंस किए जाने की बात थी, आज शाम को अनाउंस होगा सी सेट का टेस्ट। ओके, तो चलिए लेट्स प्रोसीड स्टूडेंट्स टूवर्ड्स टुडेज सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स के लिए आज के सेशन में देखा जाए क्या क्या टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स। पेन पेपर निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, 3-4 कलर के पेन निकालिए, सिलेबस निकालिए, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का, और खुद को बैठा लीजिए टेबल पे, बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। लेट्स बिगिन द सेशन फ्रॉम जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ न्यूज़ आए स्टूडेंट्स। आइए देखा जाए, पहले न्यूज़ देखते हैं तब हम लोग एडिटोरियल्स आर्टिकल्स देखेंगे। यस, तो सबसे पहले आधार ऑथेंटिकेशन कंटिन्यूज टू फेस ग्लिचेस। ये देखिए, ये न्यूज़ आया स्टूडेंट्स, थोड़ा नोट कर लिया जाए ये क्या न्यूज़ है। सो सर्विस वॉज अनअवेलेबल फॉर ओवर 54 आवर्स टिल सेप्टेम्बर दिस ईयर ड्यू टू इश्यू सच एज डिले इन सेंडिंग ओटीपी, डिले इन सेंडिंग ओटीपी। ये देखिए आधार ऑथेंटिकेशन में क्या आपको भी परेशानी हुई है क्या, कभी मुझे बताइए। सेकेंड पॉइंट, माइनर फ्लक्चुएशंस। ये देखिए, एंड थर्ड पॉइंट, दिस मिसलेनियस इश्यूज, माइनर फ्लक्चुएशंस फेस बाय सर्वर्स। ओके, सर्वर्स पे माइनर फ्लक्चुएशंस, ये इंटरप्शंस 54 आवर्स तक रहा है 2023 में, अभी तक ये आरटीआई फाइल करके पता लगाया गया। ये देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, तो राइट टू इंफॉर्मेशन में भी ये न्यूज़ आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर कुछ आया सवाल मेंस में आरटीआई के ऊपर। ये देखिए, इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रेस्पॉन्स टू द हिंदू, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिवील्ड दैट डिले इन सेंडिंग वन टाइम पासपोर्ट्स ओटीपीज
By SMS and intermittent and minor fluctuations in authentication were faced by Aadhaar servers for hours long periods throughout this year till September, amounting to 54 hours 33 minutes of disruption. अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ इस टॉपिक, ये why are we taking up this topic, ये फ्रंट पेज पे आया ये टॉपिक, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ई गवर्नेंस के चैलेंजेस को लेकर है. डू यू एग्री, लेट मी नो स्टूडेंट्स. ये देखिए, तो ई गवर्नेंस का चैलेंज हो या आरटीआई एक्ट का वैल्यू एडिशन हो, इन दोनों जगहों पर आप ये न्यूज 20 वर्ड्स अटैच कर सकते हैं. मुझे बताया जाए चैट बॉक्स में, टेल मी इज इट क्लियर. ई गवर्नेंस चैलेंज, नाउ ई गवर्नेंस इज टॉपिक ऑफ गवर्नेंस, यस, लेट्स सी स्टूडेंट्स. देखिए ये गवर्नेंस का टॉपिक है. देखिए यहां लिखा होगा स्टूडेंट्स, ई गवर्नेंस, देखिए एप्लीकेशंस मॉडल सक्सेस लिमिटेशंस. ये देखिए लिमिटेशंस, देखिए नोट कर लीजिएगा. राइट टू इंफॉर्मेशन पर अगर कोई सवाल आए, एग्जांपल देखिए मैं बता दूं, इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ आरटीआई एक्ट, इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ आरटीआई इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, तो आप वहां पुटअप कीजिएगा. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास इन 2005 ब्रिंग्स आउट सेवरल पोटेंशियल एडवांटेजेस. One of them is transparency. For example, a recent RTI filed at UIDAI revealed that there was delay in sending OTPs and fluctuations in servers when Aadhaar authentication was done, thus helping the citizens know about the challenges of e-governance. Kya baat samajh mein aa rahi hai? Tell me students. Ye dekhiye, bas itna kaafi hai. और अगर सवाल आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, इवैल्यूएट इट्स चैलेंजेस एंड पोटेंशियल एडवांटेजेस, तो चैलेंजेस पुट अप कीजिएगा. ये चीज, ये तो बहुत कॉमन चीज है ना, मुझे बताइए. आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. सेकंड न्यूज आज का, केरल फॉर्म्स. तो ये 9 और 10 तारीख के न्यूज हम लोग देख रहे हैं आज. ये देखिए नेक्स्ट, केरल फॉर्म्स ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन टू बूस्ट एग्रीकल्चर. केरल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन टू इनकरेज द अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस इन द स्टेट. ये देखिए, तो 5000 हेक्टेयर नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कन्वर्ट किया जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में. ये देखिए, और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए ये मिर्ची, ये दिस बैंगन और ये कद्दू, ये सब यहाँ मिल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग. स्टूडेंट्स देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस मिशन में क्या क्या होगा, ये देखिए. पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट, डू यू नीड इनपुट्स, नेचर फ्रेंडली इनपुट्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ये देखिए, क्या फार्मर्स को ये चाहिए, यस. डू यू नीड गवर्नेंस हेल्प, ये देखिए गवर्नमेंट हेल्प, यस. ये देखिए थर्ड पॉइंट, डू यू नीड स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस सर्टिफिकेशन एंड चेक्स, मुझे बताइए. ये देखिए, एंड ब्रांडिंग, यस. ये देखिए, डू यू नीड मार्केटिंग हेल्प ऑल्सो, ये सारी सुविधाएं देगा राज्य सरकार. ये देखिए, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, यस. न्यूज केम अप अर्लियर, सिक्किम, ये देखिए गवर्नेंस में पढ़ा रहा हूँ, सिक्किम बिकेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया एंड दैट टुक ऑलमोस्ट 11 ईयर्स. 2003 में उसने चालू किया था ये पूरा सिनारियो, 2013 में जाकर कंप्लीटली ऑर्गेनिक कन्वर्ट हुआ है. और सिक्किम की राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत रोल प्ले किया, इतना रोल प्ले किया दैट यूपीएससी ने इनके रोल के ऊपर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर 2016 मेंस क्वेश्चन केम अप. ये देखिए, इज इट क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स. एंड सेकेंड पॉइंट, ये देखिए सेकेंड पॉइंट, इसके अलावा लक्षद्वीप, क्या उसने भी स्टेप्स लिए हैं, मुझे बताइए. ये देखिए, सो दिस इज इट, नाउ केरल इज इन द रनिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए. ये देखिए, एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फटाफट चैट बॉक्स में कौन लिखेगा, तेजी के साथ, आई वॉन्ट द आंसर्स विदाउट एनी डिलेज, लेट मी नो स्टूडेंट्स. आइए आगे बढ़ते हैं, गवर्नेंस का ही अगला टॉपिक है. ये देखिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी, और इस पर एक्सप्लेन पे जाए, गवर्नेंस का नहीं है, सिक्योरिटी का है. ये देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी. ये देखिए, एक फिल्म मूवी एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, ये देखिए, तो इनका डीप फेक वीडियो सर्कुलेट किया
और तुरंत उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आ गए 8 नवंबर को भारत सरकार की तरफ से। डीप फेक एक राइजिंग, आप समझ सकते हैं ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स, और इस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। इट कैन बी यूज्ड टू सर्कुलेट फेक वीडियोस, फेक इमेजेस, एंड साइबर क्रिमिनल्स एंड स्कैमर्स कैन प्ले अ बिग रोल आउट हियर। ये देखिए, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स। यस, आपने बिल्कुल सही पुटअप किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सॉइल फर्टिलिटी, नो बायो एक्युमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, गुड पॉइंट्स यू हैव पुट अप आउट देयर। रीसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, यस, तो आप लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस का मतलब है पता है। आइए फिलहाल यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, ये रश्मिका मंदाना का इश्यू और ये छोटा सा आर्टिकल द हिंदू का, क्या इसके पहले कोई बड़ा आर्टिकल आया है क्या? बहुत बड़ा आर्टिकल आया था स्टूडेंट्स आज से 6-7 महीने पहले, या प्रीलिम्स के पहले आया था। यस, दिस ईयर प्रीलिम्स के पहले। ये देखिए, ये था आर्टिकल, बहुत बड़ा आर्टिकल द हिंदू में। ये देखिए, डी फेक टेक्नोलॉजी, हाउ एंड व्हाई चाइना इज प्लानिंग टू रेगुलेट इट, अ बिग आर्टिकल केम अप इन द हिंदू। ये देखिए, सो व्हाट इज डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी, आइए यहां से पढ़ते हैं हम लोग। ये जो नया वाला है ना, वो छोटा दिया हुआ है, यहां से पढ़ते हैं। एंड हाउ इज इट बीइंग यूज्ड टू स्प्रेड डिसइंफॉर्मेशन, व्हाट आर द न्यू गाइडलाइंस रोल्ड आउट बाई साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, हाउ इज कैनेडा इन अ यूनिक पोजिशन टू लीड द इनिशिएटिव टू काउंटर डीप फेक, इंडिया में है कि नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले डीप फेक पढ़ लिया जाए। ये देखिए, द साइबर स्पेस चाइनाज एडमिनिस्ट्रेशन द कंट्री साइबर स्पेस वॉच डॉग इज रोलिंग आउट न्यू रेगुलेशंस टू बी इफेक्टिव फ्रॉम January 10th, देखिए आया हुआ है स्टूडेंट्स, दिसंबर की न्यूज है लास्ट ईयर की, टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ डीप सिंथेसिस टेक टू कर्ब डिसइंफॉर्मेशन। डीप सिंथेसिस इज डिफाइंड एज यूज ऑफ टेक इंक्लूडिंग डीप लर्निंग। ये देखिए, डीप लर्निंग की बात स्टूडेंट्स, ये देखिए मशीन लर्निंग, उसके आगे का स्टेप डीप लर्निंग, जहां पर डीप लर्निंग में इंसान का इंटरफेस बहुत कम काम करेगा, वहां पर सारा इंटरफेस क्या रहेगा, मैकेनाइज्ड। ये देखिए, एंड ऑगमेंटेड रियलिटी टू जनरेट टेक्स्ट इमेजेस ऑडियो वीडियो टू क्रिएट वर्चुअल सीन्स। ये देखिए, वन ऑफ द नोटोरियस एप्लीकेशंस ऑफ डीप सिंथेसिस टेक, डीप सिंथेसिस की बात चल रही है देखिए यहां पर, इज डीप फेक वेयर सिंथेटिक मीडिया इज यूज्ड टू स्वैप द फेस और वॉइस ऑफ वन पर्सन फॉर अनदर। सबसे दिक्कत की बात, इट्स गेटिंग हार्ड टू डिटेक्ट विद एडवांसमेंट ऑफ टेक, इट इज यूज्ड टू जनरेट सेलिब्रिटी पॉर्न वीडियोस, प्रोड्यूस फेक न्यूज, कमिट फाइनेंशियल फ्रॉड्स अमंगस्ट अदर रॉन्ग डूइंग्स। और चाइना रेगुलेट कर रहा था, इसलिए यह आया न्यूज स्टूडेंट्स लास्ट ईयर। डी फेक आर अ कंपाइलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इमेजेस एंड ऑडियो पुट टुगेदर विद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड रिप्लेस अ रियल पर्सन अपियरेंस वॉइस और बोथ विद सिमिलर आर्टिफिशियल लाइकनेस और वॉइसेज। इट कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट एंड इट कैन फेक रियल पीपल सेइंग एंड डूइंग थिंग्स दे डिड नॉट से और डू। और ये रेडिट यूजर था एक अनोनिमस, उसने पुटअप किया, डी फेक नाम दिया 2017 में। ये देखिए, तो क्या इसके फायदे भी हैं, क्या इसके घाटे भी हैं स्टूडेंट्स? बहुत घाटे हैं इसके भाई, बहुत ज़्यादा। एंड शायद सबसे बड़ी बात है, ये सबसे ज़्यादा राइट टू प्राइवेसी इम्पैक्ट कर रहा है। इट कैन अफेक्ट द स्टेटस ऑफ अ सेलिब्रिटी, इट कैन अफेक्ट द इंडिविजुअल्स प्राइवेट लाइफ। यस, ये देखिए डीप फेक, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स, यूरोपियन यूनियन ने कोड ऑफ प्रैक्टिस अपडेट किया टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन थ्रू डीप फेक। रिवाइज कोड रिक्वायर्स टेक कंपनीज इंक्लूडिंग गूगल, मेटा एंड ट्विटर टू टेक मेजर्स इन काउंटरिंग डीप फेक एंड फेक अकाउंट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। यूरोपियन यूनियन ने मेजर ले लिया है, ये देखिए 6 महीने के अंदर साइन करना था एग्रीमेंट और साइन हो गया है। ये देखिए, इधर चाइना ने लॉन्च किया है पॉलिसी, ये देखिए, इधर चाइना के अलावा कनाडा ने लॉन्च किया स्टूडेंट्स पॉलिसी। ये देखिए, वेल कनाडा डज नॉट हैव एनी रेगुलेशन टू टैकल डी फेक्स, इट इज इन यूनिक पोजिशन टू लीड द इनिशिएटिव टू काउंटर डी फेक्स। वहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं है अलग से, लेकिन उसके पास एक पोजिशन है यूनिक, देखा जाए क्या। विद इन कैनेडा सम ऑफ द मोस्ट कटिंग एज AI रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड बाई द गवर्नमेंट विद अ नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरन एक्टर्स, एंड कैनेडा इज द मेंबर एंड लीडर इन मैनी रिलेटेड मल्टी लेटर इनिशियटिव लाइक पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस। ये देखिए, कैनेडा कैन एक्ट एज अ सेंट्रल कंट्री इन रेगुलेटिंग एंड हेल्पिंग अदर कंट्रीज रेगुलेट डीप फेक, यही लिखा हुआ है।
फिलहाल आइए देखते हैं स्टूडेंट्स वापसी करते हैं इस जगह पर। डी फेक का ये टॉपिक देखिए यहाँ पर, डी फेक हैव बीन अराउंड। अब देखिए ये आज आया है द हिंदू में, क्लियर हो गया क्या है डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजीज, टेल मी स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स। अब ये जितना डीप फेक का कंसेप्ट है ये तो आपको समझ में आ गया, अब आइए देखते हैं कि दिस क्या इंडिया में लॉ है कि नहीं, कानून है कि नहीं, यही सवाल है स्टूडेंट्स आज। व्हाट डू लॉज इन इंडिया से अबाउट डीप फेक। डीप फेक्स आर फास्ट बिकमिंग अ प्रॉब्लम एंड आर यूज्ड बाय थ्रेट एक्टर्स टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। हाउएवर देर आर लॉज विच कैन बी इन्वोक्ड, देखिए, टू डिटर थ्रेट एक्टर्स फ्रॉम क्रिएटिंग डीप फेक वीडियोज। इंडियाज आईटी रूल्स 2021 रिक्वायर्स दैट ऑल कंटेंट रिपोर्टेड टू बी फेक और प्रोड्यूस्ड यूजिंग डीप फेक टू बी टेकन डाउन बाय द प्लेटफॉर्म्स विद इन 36 आवर्स। ये कानून है, ये देखिए, अगर कुछ भी झूठा पोस्ट होता है तो उसे हटाना 36 घंटे के अंदर इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सिंस द डीप फेक वीडियो ऑफ रश्मिका मंदाना वेंट वायरल द इंडियन आईटी मिनिस्ट्री हैज आल्सो इश्यूड नोटिस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स स्टेटिंग दैट इम्पर्सनेटिंग ऑनलाइन वॉज इलीगल अंडर सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट। नोट कीजिए इम्पर्सनेशन, ये देखिए, किसी का कॉपी क्रिएट करना, कॉपी क्रिएट करना ऑनलाइन, सेक्शन 66D आईटी एक्ट इलीगल। तो आर्टिफिशियली मॉफ्ड इमेजेस हटाना जरूरी है सोशल मीडिया के फॉर्म्स के द्वारा। देखिए ये AI का गलत इस्तेमाल स्टूडेंट्स समझ सकते हैं आप। अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू क्रिएट मॉफ्ड इमेजेस और वीडियोस टू मेक फन, डीप फेक हैव आल्सो बीन यूज्ड टू क्रिएट पोर्नोग्राफिक कंटेंट। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंसाइट पॉलिटिकल वायलेंस, सबोटेज इलेक्शंस, अनसेटल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। ये देखिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत बड़ा इस्तेमाल तो इसका वायलेंस स्प्रेड करने में हो सकता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, देखिए चाइना ने इशू किया गाइडलाइंस, यूरोपियन यूनियन ने इशू किया है, US ने इशू किया, देखिए वही जो आपने पढ़ा दिसंबर वाले न्यूज़ में, सब कुछ देखिए सेम यहाँ पर। इज इट क्लियर टेल मी स्टूडेंट्स। तो एक सवाल तो यहाँ बनता है ना आप लोगों के लिए, डीप फेक हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, या डीप फेक टेक इज अ डबल एजेड सोर्ड। ये देखिए कमेंट तो लिखने की कोशिश कीजिएगा, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस, और इंडिया में क्या डायरेक्ट कानून है, डायरेक्ट कानून नहीं है। देखिए डीप फेक रेगुलेट करने के लिए डायरेक्ट कानून नहीं है, दूसरे कानूनी दिस अवेलेबल हैं आर्टिकल्स एंड सेक्शंस विच कैन बी यूज एंड यूटिलाइज, येट अ स्पेसिफिक रेगुलेशन इज लैकिंग इन द फील्ड। डू यू एग्री दैट वी नीड समथिंग कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉर काउंटरिंग डीप फेक, टेल मी इन द चैट बॉक्स। प्रोज हैं स्टूडेंट्स डीप फेक के, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये देखिए जो लास्ट ईयर डिसंबर में आया था, दिस यू कैन सी इट हियर, दिस इट कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन। ये देखिए आइए देखते हैं एजुकेशन में एडवांटेजेस में, देखिए पहला पॉइंट स्टूडेंट्स एजुकेशन, तो क्रिएटिंग जैसे मान लीजिए कि बच्चों तक पहुँचाना है, कुछ चल रहा है क्लास इकोनॉमी का, पॉलिटी का, या NCERT पढ़ाया जा रहा है क्लास 4-5 के बच्चों को, तो एजुकेशन में एनिमेशन क्रिएट किया जाता है किसी टीचर के वॉइस में और भेजा जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड बाय कंपनीज, यस एजुकेशन यू कैन सी इट हियर। एंड सेकंड पॉइंट ये देखिए मूवीज़ इसी से बनती है ना स्टूडेंट्स, मुझे बताइए, देखिए मूवीज़ एंड फिल्म प्रोडक्शन, ये देखिए यस इसी से बनती हैं। अब देखा होगा कि इनफैक्ट देखिए आज की तारीख में जो आप कहते हैं जो VFX टेक्नोलॉजीज होती है ना, शायद बताइए मुझे, ये सारी चीज़ें इसी का एक हिस्सा, अब उसमें भी एडवांसमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। सो यू आर इनसाइड अ रूम एंड देन इट इज़ इन द मूवी, इट इज़ बीइंग शोड दैट दिस सलमान खान इज़ जंपिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग बट ही इज़ इनफैक्ट इनसाइड अ रूम, दैट्स इट। और ये सब सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है सब मशीन एल्गोरिदम से जो इस्तेमाल किए जाते हैं उस जगह पर, कौन सा बिल्डिंग सही बैठेगा पीछे में, कहाँ से कूदेगा ये हीरो, कहाँ से कहाँ गिरेगा, ट्रेन कैसे चलेगी, एरोप्लेन कैसे आगे बढ़ेगा, सब कुछ मूवीज़ में यही होता है स्टूडेंट्स। क्लियर, गॉट इट। एंड एनिमेशन कैन बी क्रिएटेड, एनिमेशन कंटेंट ये देखिए फॉर किड्स, अच्छा एनिमेशन कंटेंट हो सकता है ना, नहीं चलिए फिलहाल आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, डीप फेक की तरफ से आगे बढ़ते हैं।
और बढ़ चलते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन इंस्टीट्यूशंस, आइए देखते हैं। तो कल एक न्यूज़ आया, देखिए इंडिया नेट्स नेबरहुड रिलेशंस में आज बांग्लादेश का न्यूज़ है, एक्सप्लेन पेज आया स्टूडेंट्स, और ग्लोबल ग्रुपिंग में आज G7 का कल न्यूज़ आया था, ये भी देखेंगे हम लोग, और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस यूएस के साथ में 2+2 समिट ये भी देखेंगे, ये होने वाला है। आइए बढ़ चला जाए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। G7 मीट अपील्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस इन गाज़ा। तो G7 की मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की टोक्यो में, इन लोगों ने कहा कि गाज़ा में थोड़ा सा जितनी तबाही चल रही है थोड़ा कंट्रोल किया जाए। G7 फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन वेडनेसडे कॉल्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस इन द इज़राइल हमस वॉर टू लेट एड इन एंड हेल्प द रिलीज ऑफ होस्टेजेस एंड सॉट टू रिटर्न टू अ ब्रॉडर पीस प्रोसेस। ये देखिए कि वही टू स्टेट सॉल्यूशन एंड ऑल दैट, ये देखिए। तो G7 ने कहा कि भैया अभी थोड़ा सा रोक दो सब कुछ, क्या चल रहा है। G7 क्या है देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, G7 जर्मनी UK फ्रांस कैनेडा US इटाली जापान, ये देखिए G7 कंट्रीज का ग्रुपिंग। ये देखिए स्टूडेंट्स, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अपने आप को इस पूरे संसार का कर्ता धर्ता मानती हैं इस कंट्रीज, ये देखिए हैव अ लुक। फिलहाल कुछ है नहीं आज की तारीख में, कोई मान नहीं रहा इनको, ये देखिए द फर्स्ट, ये फॉर्म कैसे हुई थी थोड़ा देखिए यहाँ पर, हाउ वाज दिस ग्रुपिंग फॉर्म्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट फर्स्ट वाज होस्टेड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट गिस्कार्ड डी एस्टाइंग एंड फेडरल चांसलर ऑफ जर्मनी श्मिट इन 1975। दिस ब्रॉट द लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस एंड डेमोक्रेसीज टुगेदर इन एन इनफॉर्मल फोरम इन विच दे कंटिन्यू टू एंगेज इन क्लोज डायलॉग टू दिस डे। ये देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है मैं बता दूं स्टूडेंट्स। फॉर्मल फोरम का मतलब होता है उसका एक स्टैट्यूट या उसका एक एक्ट पास किया गया है कहीं से। इनफॉर्मल ऐसे ही बातचीत चल रही है, चाय पानी बातचीत होती है फिर चले जाते हैं घर, ये देखिए। गॉट इट। द फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट विच लेटर बिकेम द G7 वॉज इनिशिएटेड इन 1975 बाई फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट वैलेरी गिस्कार्ड डी एस्टाइंग एंड यानी फ्रांस एंड जर्मनी वॉज द फाउंडिंग मेंबर्स। ये देखिए क्लियर, वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट 1975 नोट कीजिएगा। द हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स ऑफ जर्मनी फ्रांस, ये दो फाउंडिंग मेंबर्स थे, UK इटली जापान एंड US केम टुगेदर इन दिस मीटिंग। इसे ग्रुप ऑफ सिक्स कहते थे उस समय। और अगले साल कनाडा आ गया तो उसने कहा यार मुझे भी ले लो इस ग्रुप में, मैं भी डेवलप्ड हूँ। बोला डेवलप्ड हो सही से देख लो। बोला यस यस। तो G6 प्लस कनाडा हुआ G7 1976 में। ये देखिए इज इट क्लियर टेल मी स्टूडेंट्स, ये बनाया गया था ऑयल क्राइसिस के रिस्पांस में। फिलहाल ऑयल क्राइसिस के रिस्पांस में बनाया गया यह इंस्टीट्यूशन आज अपने ही क्राइसिस फेस कर रहा है। इसकी बातें चली गई हैं, कोई डिस्कस नहीं कर रहा। अभी टोक्यो मीटिंग हुई और इतना सब कुछ बोला, और इसराइल सबसे पहले मना करेगा कि नहीं हम ऐसा है साइड हटो, टोक्यो में जाकर मीटिंग करो, यहाँ मेरे को कुछ मत बोलो। G7 हैज लॉस्ट इट्स यू कैन से प्रेस्टीज, इट रिप्रेजेंट्स द क्रूएल ग्लोबल नॉर्थ। डू यू एग्री टेल मी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्रूएल मैंने वर्ड अटैच किया है ग्लोबल नॉर्थ, क्योंकि जो सबसे बड़े दोषी हैं वो अपने आप को विक्टिम कार्ड शो करते हैं यहाँ पर। कौन? G7 ग्रुप। ये देखिए जोसेफ बाइडेन इज लाइक यार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अमेरिका भी है यार क्या करे यार, तुम्ही ने सब कुछ किया है। पुतिन इज लाइक नहीं नहीं गल्फ क्राइसिस नहीं भाई, ऑयल क्राइसिस रिस्पॉन्स का मतलब था योम किपुर वॉर जो हुआ था इसराइल पैलेस्टीन का। ये देखिए योम किपुर वॉर, उसी के रिस्पॉन्स में 1975 में बनाया गया था ऑयल रिसेशन, ऑयल एम्बार्गो पुट किया था किसने, ये देखिए ओपेक ने। ये देखिए मैंने क्रूएल वर्ड पुट अप किया स्टूडेंट्स इसलिए क्योंकि ऑन वन साइड दे आर दीज कंट्रीज फंड एंड फाइनेंस एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, द जो भी खराब चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ ये बोलती अच्छा ऐसा हो गया क्या, इट्स द सेम थिंग एज कोई आया आपका पर्स मींस पैसा उठा के चला गया, बोला आपने कहा यार पैसा नहीं, अच्छा पैसा नहीं है क्या, अरे तुमने चोरी किया है दैट्स इट,
क्लाइमेट चेंज तुमने किया है, अभी इसराइल पैलेस्टीन में जो मुद्दा चल रहा तुम्ही लोगों ने किया है, ये देखिए। सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग इट, देयर अ क्रूएल ग्लोबल नॉर्थ, ये देखिए। इसमें बीच में रशिया अटैच हुआ था, ये देखिए। तो G8 बना 1988 में, उसके बाद 89 के आसपास की बात है, उसके बाद 2014 में रशिया को बाहर निकाल दिया गया, ये देखिए। उसके बाद ये G20 भी बन गया, बनते जा रहा है ग्रुप, ग्रुप बनता है, ग्रुप बनते जाएंगे, लेकिन क्राइसिस बढ़ते चले जाएंगे, दैट्स इट। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, G7 को भूल कर इंडिया के नेबरहुड पे फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। इंडिया का नेबरहुड, अगर तल्ला खौरा रेल लिंक, देखिए ट्रेन देखिए 3003, देखिए इंजन नंबर है 40 है यहाँ पर, ये देखिए। और देखिए यहाँ पर हरी झंडी दी जा रही है, कुछ लोग फोटो ले रहे हैं कि सेल्फी ले रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता, ये देखिए। आइए देखते हैं, लेट्स सी। ऑन नवंबर 1st, लेट्स सी स्टूडेंट्स, ऑन नवंबर 1st दिस प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट शेख हसीना वर्चुअली इनॉग्रेटेड द रेल लिंक बिटवीन अगरतला एंड अखौरा इन बांग्लादेश। नथिंग न्यू इन दिस एक्सप्लेन पेज, ये आज एक्सप्लेन पेज में आया है, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, कनेक्टिविटी पर डिस्कशन चल रहा है, और कनेक्टिविटी हैज बिकम अ की एरिया वेयर इंडिया इज कोऑपरेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज। डू यू एग्री, टेल मी। सो 12.24 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन कंस्टिट्यूटिंग ऑफ अबाउट 6.78 किलोमीटर डुअल गेज रेल लाइन इन बांग्लादेश एंड 5.46 इन त्रिपुरा वुड लिंक द लैटर टू अखौरा इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड एंड देयर बाई इट्स ब्रॉडर रेल नेटवर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, कुछ ऐसा फोटो दिखेगा, ये देखिए, पहले ही डिस्कशन में चल रहा था, देखिए देखिए, अगरतला से अखौरा और यहां से देखिए कलकत्ता सीधे, क्या बात है, देखिए स्टूडेंट्स। फिलहाल इसका डेडलाइन 2017 में एक्सपायर कर चुका है, 2023 में बनाया गया, ये बन तो गया, बड़ी बात है स्टूडेंट्स। अगरतला अखौरा रेलवे लिंक। इज इंडिया ऑल्सो फोकसिंग अपॉन कनेक्टिविटी विद बांग्लादेश इन अदर एरियाज, यस, ये देखिए। As of now, 5 broad gauge connectivity routes are operational interlinking links with Bangladesh, all of them from West Bengal. ये देखिए, अभी तक 5 रूट थे, ये छठा रूट आ गया। देखिए, एक था गेटे रेलवे स्टेशन टू दर्शना बांग्लादेश में, दर्शना, ये देखिए। सेकेंड, बेनापोल टू पेट्रापोल, ये देखिए पेट्रापोल, ये देखिए इंडिया के साइट का हम लिख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये देखिए बेनापोल। सिंघाबाद टू रोहनपुर, सिंघाबाद, ये देखिए सिंघाबाद टू रोहनपुर, ये देखिए, ये सब पश्चिम बंगाल में है। राधिकापुर टू बिरोल, क्या बात है, ये देखिए राधिकापुर टू बिरोल, ये देखिए, ये राधिकापुर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। एंड हल्दीबाड़ी टू चिल्हटी, ये देखिए 5 रेलवे लिंक्स, हल्दीबाड़ी टू चिल्हटी। क्या भूटान को लेकर कल न्यूज आया था, कल और परसों मुझे बताया जाए भाई फटाफट। वर्क इज अंडर वे टू कनेक्ट मही हसन, ये आ सकता है प्रीलिम्स में अगले साल, मही हसन रेलवे स्टेशन इन असम टू शहबाजपुर इन बांग्लादेश, ये देखिए, ये कल ये आ सकता है अगले प्रीलिम्स में स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ही देखिए। इज इट क्लियर, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बच्चा लोग बताइए मुझे फटाफट। तो अब सवाल है, अगरतला से अखौरा, अखौरा से आगे क्या ढाका तक और कलकत्ता तक कनेक्टेड है, पूरा पूरा कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, ये देखिए। और रेल कनेक्टिविटी पे फोकस क्यों किया जा रहा, देखिए लिखा हुआ रीज़न यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैड ऑब्जर्व्ड इन नवंबर 22 दैट ड्यूरिंग कोविड 19 पैंडेमिक द टू कंट्रीज स्टेप्ड अप देयर रेल कोऑपरेशन। दिस वॉज बिकॉज ट्रेड वाया रोड लैंड बॉर्डर फेस्ड अबनॉर्मल डिसरप्शन, ये देखिए। रेल बिकेम द प्रिफर्ड कॉस्ट इफेक्टिव एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि रोड में क्या था, लगा दिए गए थे दिस लॉकडाउन्स और लोगों का बाहर निकलना बंद था, उसमें रेलवेज डेवलप किया गया और रेलवेज का रोल स्टूडेंट्स लॉजिस्टिक्स के लिए। तो ये देखिए अगरतला अखौरा लिंक, आइए नोट किया जाए स्टूडेंट्स इसके बारे में कुछ फायदे इसके, ये देखिए अखौरा लिंक फर्स्ट पॉइंट, ये देखिए इससे फर्स्ट पॉइंट कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
विद कलकत्ता, यस ये देखिए कोलकाता के साथ, क्या बात है। क्या रूट शॉर्टन होगा, आइए देखते हैं कितना रूट शॉर्टन होगा, लिखा हुआ है ये देखिए, दिस टू मिनट्स यहाँ लिखा हुआ है, दिखा रहे हैं आपको स्टूडेंट्स, यस दिस, हाँ द इंटरनेशनल ट्रांजिट रूट वंस कम्प्लीटली ऑपरेशनल द प्रोजेक्ट वुड ऑल्सो रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन अगरतला एंड कलकत्ता फ्रॉम 31 आवर्स टू 10 आवर्स। बड़ी बात है स्टूडेंट्स, अभी अगर आपको अगरतला से कलकत्ता जाना है तो असम होके जाना होता है, गुवाहाटी एंड लुमडिंग, ये देखिए बहुत बड़ी बात भाई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ही देखिए, त्रिपुरा में एक जगह है जिसको डेवलप किया जा रहा है, निश्चिंतपुर, ये देखिए निश्चिंतपुर में आइए और निश्चिंत हो जाइए, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स निश्चिंत हो जाइए, कैसे इंटरनेशनल इमिग्रेशन स्टेशन के रूप में काम करेगा, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज गेटिंग डेवलप्ड, यस इमिग्रेशन रिलेटेड स्क्रूटनी वहां पर होगी पैसेंजर्स की, तो निश्चिंतपुर आइए और निश्चिंत हो जाइए, इमिग्रेशन को लेकर कहा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और सब कुछ ठीक रहेगा, दैट्स इट। सो कनेक्टिविटी पहला हो गया, सेकंड इमिग्रेशन चेक, ये देखिए इंपॉर्टेंट चेक ऑफिस एट निश्चिंतपुर, ये देखिए यस यस वैभव मैं पुटअप कर रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बायस पुट कर रहे हैं, कहीं कहीं अपोजिशन के लोग बायस वो भी पुट कर रहे हैं, हमें अन बायस जाना है कैसे, आइए देखेंगे हम लोग, ओके। तो ये देखिए इमिग्रेशन चेक ऑफिस, थर्ड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ओके जानते हैं आप लोग इसके बारे में, टेल मी स्टूडेंट्स। फोर्थ इसके अलावा ये देखिए अगरतला अखौरा लिंक का और फायदा देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस इम्प्रूव, यस ये देखिए बांग्लादेश रिलेशंस इम्प्रूव। एंड फिफ्थ लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स यस ये देखिए डेवलपमेंट, सप्लाई चेन डेवलपमेंट, ये देखिए एग्री कर रहे हैं ना, ये देखिए। और मेरी बात मानिए तो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर विशाखापट्टनम से कलकत्ता तक, चेन्नई से कलकत्ता तक, उसे एक्सटेंड किया जा सकता है ना, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट्स अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यस नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जानते हैं फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। तो उससे लिंक हो जाएगा, कलकत्ता से लिंक हो गया अगरतला, अगरतला खौरा टू कलकत्ता टू चेन्नई, क्या बात है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन द मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यस एंड दिस विल क्रिएट बांग्ला सॉरी बे ऑफ बंगाल के आसपास का एरिया पूरा, उसके ऊपर पॉलिसी डेवलपमेंट्स तेज हो जाएंगे, ये देखिए। इज दिस क्लियर, लेट मी नो स्टूडेंट्स, मुझे बताया जाए, बहुत सटीक बात, ये ईस्ट कोस्ट वाला दिया नहीं है यहां पर, मैंने पुटअप किया यहां पर, लास्ट ईयर न्यूज आया था, ये देखिए पहले लुकिस्ट पॉलिसी था, उसके बाद एक्टिस्ट हुआ, यस एक्टिस्ट पॉलिसी 2013 में हुआ, लुकिस्ट था 1993 में, एक्टिस्ट हुआ 2014 में, 2014 में विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट फोकसिंग अपॉन एक्टिस्ट पॉलिसी, और अब इसके बाद अब हो जाएगा ट्रैवल ईस्ट पॉलिसी, इसके बाद फ्रॉम चेन्नई बैठ गए, कलकत्ता में उतर जाते थे, मालूम चला सोए रह गए कलकत्ता में, चले गए अगरतला, ओके गॉट इट। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक से आगे, और ऐसे भी बहुत सारी ट्रेन लॉन्च कर दी गई हैं बांग्लादेश के साथ में, एक ट्रेन का नाम है मैत्रेयी एक्सप्रेस, एक ट्रेन का नाम है बंधन एक्सप्रेस, ये देखिए नाम तो सुना ही होगा, ये देखिए क्लियर। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे, ये देखिए डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह, वैसे यूएस के ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लग रहे हैं डिफेंस के, ये देखिए हैव अ लुक, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, क्या बात है, ये देखिए कॉन्फिडेंस एंड यस अराइव्स इन इंडिया फॉर 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग, ये देखिए 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग इज अ इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड यूएसए स्टूडेंट्स, ये देखिए इंडिया एंड यूएसए,
ये देखिए, टू इम्प्रूव रिलेशंस कब शुरू किया गया ये देख लेते हैं। ये देखिए, रिसेंट इनिशिएटिव्स टेकन 2018 के आसपास 2+2 डायलॉग इंडिया ने शुरू किया यूएस के साथ में। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा यूएस के साथ में LEMOA एग्रीमेंट, कॉम कासा एग्रीमेंट और बेका एग्रीमेंट साइन किया गया। आपका आज होमवर्क है, आज आंसर राइटिंग ग्रुप पर आकर LEMOA एग्रीमेंट के बारे में 20 वर्ड्स, कॉम कासा के बारे में 20 वर्ड्स, बेका के बारे में 20 वर्ड्स लिखना है। ये देखिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एग्रीमेंट्स, जियोस्पेशियल एग्रीमेंट, तीनों अलग अलग हैं। ओके, और साथ में देखिए 2+2 का मतलब क्या है, तुम दो लोग लेकर आओ, मैं भी दो लोग लेकर आऊँगा। तो बोला गया भाई दो लोग कौन रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। तो लॉर्ड ऑस्टिन जी से पूछना पड़ेगा कि भाई आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहाँ रह गए, उनको बुलाइए, बातचीत होगी यहाँ पर। ये देखिए, इन शॉर्ट इंडिया यूएस स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिलेशंस। कोटेड स्टूडेंट्स, ये एनुअल मीटिंग है, 2018 से चल रहा है कंसेप्ट। देखिए, इज इट क्लियर, टेल मी। तो बातचीत रहेगी। देखिए, द 2+2 डायलॉग विल एनेबल अ हाई लेवल रिव्यू of progress being made in cross-cutting aspect of defense and security cooperation and tech value chain collaborations and people-to-people ties. ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये देखिए, पिक्चर ऑफ द वीक द हिंदू में आया है भाई, अफगान रेफ्यूजीज अराइव ऑन फुट टू क्रॉस द पाकिस्तान अफगानिस्तान तोरखम बॉर्डर फॉलोइंग द पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसीजन टू एक्सपेल पीपल हु आर इलीगली स्टेइंग इन द कंट्री। More than 1,65,000 Afghans have fled Pakistan since Islamabad issued an ultimatum to 1.7 million people a month ago to leave or face arrest and deportation. ये देखिए, तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग कहाँ पर है देख लीजिए, बहुत परेशानी की बात है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉसिंग है, 1,65,000 रेफ्यूजीज। ये देखिए, अब पाकिस्तान ने क्यों अपना अभी दिखाया, ये मीन्स पुटअप किया, डिसीजन क्यों पुटअप किया नहीं पता, या तो पाकिस्तान के पास पहले अपने को ही संभालने में दिक्कत हो रही थी, या क्रिकेट मैच के कारण हुआ, या क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि आप छोड़कर जाइए वापस अपने देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने इशू किया अल्टीमेटम, नहीं तो फिर मैं देख लूँगा, मैं डिपोर्ट कर दूँगा या अरेस्ट कर दूँगा मैं। लोग भाग रहे हैं रिफ्यूजीज़ का, ये देखिए रेफ्यूजीज़ को लेकर बहुत ख़राब स्थिति चल रही है। अब भी स्टूडेंट्स, कांगो को लेकर न्यूज़ आया था दो दिन पहले, ये देखिए आया था, डिस्प्लेस्ड पीपल क्या कहा जाए, एंड ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन जिसपे यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, ये तो बोल ही रहा है कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन में माइग्रेंट्स जो हैं फोर्स्ड माइग्रेंट्स हैं। ये देखिए, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन, डिड यूपीएससी आस्क दिस क्वेश्चन लास्ट ईयर, टेल मी स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आइए फिलहाल आगे चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स, जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीनियर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये चार लोग एक साथ एक आर्टिकल लिख रहे हैं। वी अनंत नागेश्वरन, ये देखिए, राजीव मिश्रा जी, ये देखिए, मेघा अरोड़ा एंड राम सिंह जी, ये लोग लिख रहे हैं अकनॉलेज इंडियाज इकोनॉमिक सक्सेस ट्यू, इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन। ये आज का आर्टिकल स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन एट वेरी हाई ग्रोथ रेट्स, वन मस्ट अकनॉलेज इट, ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही सही कहा इन लोगों ने। आइए देखते हैं, द इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन एट एन इंप्रेसिव रेट इन द पोस्ट कोविड 19 ईयर्स, इन फाइनेंशियल ईयर 2023 इट ग्रू ईयर और ओवर ईयर एट 7.2%, द फास्टेस्ट अमंगस्ट मेजर इकोनॉमीज। ये देखिए, इन फाइनेंशियल ईयर 2024 द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड प्रोजेक्ट्स इंडियाज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एट 6.3%, अगेन द फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज, fastest, the word major in the tagline makes it clear that India's relatively high economic growth in the global context is not on account of its small size. Growth बढ़ रहा है तो इसका मतलब छोटा साइज इसलिए नहीं बढ़ रहा है, ओके, कि लास्ट ईयर दो नंबर आए थे तो अभी 100% ग्रोथ, तो 2+2 नंबर है, ऐसा नहीं है।
इंडिया मेजर इकोनॉमी है, ऐसा है कि 70% आए थे लास्ट ईयर, तो 10% बढ़ा, तो 7 नंबर बढ़ रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, इंडिया इज करंटली द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन यूएस डॉलर टर्म्स एंड इज प्रोजेक्टेड बाय द IMF टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट बाय 2027। एंड दिस आर्टिकल एज यू कैन सी द टैग लाइन इज ट्राइंग टू कन्वे, ये पुटअप कर रहा है आर्टिकल की बहुत बढ़ोतरी हुई है, एक्सेप्ट कर लीजिए एक्सेप्टेड। और ये पूरी कहानी सुनाई गई है, मैं कहानी लिख रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर। 2000 से कहानी शुरू की गई है, 2007 पहला फेज, ये इंडिया का इकोनॉमिक सक्सेस हाइट्स रीच कर रहा था, ये देखिए इकोनॉमिक सक्सेस एट द हाइट्स। 2007 में आया, क्या आया, सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस, नाम सुना है आपने, मुझे बताइए। और उसके बाद 2007 से 2014 तक, 2016 तक ये सेपरेट ग्रुप में पुटअप किया गया है, फेज ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस, ये देखिए क्राइसिस, सेकेंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ये देखिए एटसेट्रा। एंड 2016 के बाद ऑनवर्ड्स 2020 तक पुटअप किया गया एक ग्रुप में, कोविड के समय तक का, ठीक है। एंड 2021 पोस्ट लिखा जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से, एक्सेप्टेड एग्रीड, किस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, देखिए लिखा हुआ है, पहला GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, एग्रीड स्टूडेंट्स। सेकेंड, साइज ऑफ द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग, एग्रीड, ठीक है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉरपोरेट एक्सपेंशन इज राइजिंग, ये देखिए राइजिंग। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन पुश्ड, इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस का मतलब क्या, मैं बता दूं, ट्विन TWIN, मैंने पढ़ाया था ये टॉपिक पहले भी, कंपनीज डूबी, कंपनीज ने लोन लिया था बैंक से, बैंक्स डूबे साथ में, तो कहा गया ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस, दोनों का बैलेंस शीट खराब हो गया, दैट्स इट। फिफ्थ पॉइंट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान हैज कम अप, PLI इंसेंटिव प्लान, सुना है आपने, मुझे बताइए, इट हैज अप्ड द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एक्सपेंशन इज गोइंग ऑन। सिक्स्थ पॉइंट, इंडियाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर बिकमिंग ग्लोबल कंपनीज, ये देखिए। सेवेंथ पॉइंट, बैंक्स में सफाई हो गई अच्छे से, द बैंक्स आर हैव बीन ब्रॉट बैक टू नॉर्मलाइज्ड, ये देखिए। लेकिन साथ में यहाँ पर और भी कुछ पुटअप किया गया, इसके अलावा सरकार ने पॉवर्टी एलिवेशन, देखिए सेवेंथ पॉइंट, पॉवर्टी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, देखिए एलिवेशन हैज़ बीन हैपनिंग, स्पीडन अप कर दिया गया है, और इसके लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा दिया है ऑथर्स ने। एट्थ पॉइंट, इसके बाद एग्रीकल्चर इम्प्रूव कर रहा है, ये तो बोल रहे हैं, और मिलेट्स इंप्रूव कर रहा है, इसके पीछे डेटा दिया है एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट का। थर्ड पॉइंट मींस नाइन्थ पॉइंट, ये देखिए और क्या पुटअप किया गया है, रूरल वेलफेयर इज हैपनिंग, ये भी लिखा हुआ है, सब अच्छा अच्छा लिखा हुआ है इसमें, तो अच्छी अच्छी जितनी चीज़ें हैं नोट कर लीजिए यहाँ से, लेकिन कुछ चैलेंजेस परसिस्टेंट हैं स्टूडेंट्स, डू यू एग्री, टेल मी द चैलेंजेस विच आर स्टिल परसिस्टेंट इन द इंडियन इकोनॉमी, लेट मी नो, एंड विच हैव कम अप इन द लास्ट दिस 2-3 ईयर्स आफ्टर कोविड, ये देखिए, GDP इंक्रीजिंग, साइज ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजिंग, कॉरपोरेट एक्सपेंशन राइजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन पुश्ड अप, PLI प्लान फॉर इंडस्ट्री एक्सपेंशन हैज कम अप, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ग्लोबल कंपनीज दे हैव बिकम, बैंक्स हैव बीन नॉर्मलाइज्ड, NPAs हैव बीन रिड्यूस्ड, पॉवर्टी एलिवेशन हैज बीन हैपनिंग, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हैज कम बैक टू नॉर्मल, रूरल वेलफेयर, गांव का विकास, सबका साथ सबका विकास, सब चल रहा है कहा जा रहा है।
लेकिन चैलेंजेस, फटाफट चैलेंजेस बताइए स्टूडेंट्स, आप हैं यूपीएससी के एस्पिरेंट, फटाफट चैलेंजेस बताइए इंडिया में क्या है। पहला, राइजिंग इन्फ्लेशन, एग्रीड, लेट मी नो, राइजिंग इन्फ्लेशन, यस, ये देखिए। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, ये देखिए, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। सेकंड पॉइंट, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी राइजिंग अप, ये देखिए। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट इज स्टिल अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क, जॉब पता नहीं कब मिलेगा, किसको मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा है। आप भी एग्री कर रहे हैं क्या, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन मार्क, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, रोजगार के ऊपर हमेशा सवाल रहा है और सवाल सारी सरकारों से रहेगा, गवर्नमेंट से, कि रोजगार क्यों नहीं मिलता है, इतना ग्रोथ हो रहा है, तो जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, सरकार बार बार कहती है अनस्किल्ड लेबर, अब तो स्किल्ड हो गया लेबर, आरएनडी कर लिया है फिर भी काम नहीं मिल रहा, ये देखिए। एंड फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, ग्रोथ हैज नॉट गॉट कन्वर्टेड इनटू डेवलपमेंट, नॉट कन्वर्टेड इनटू डेवलपमेंट, आई सपोज यू नो द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मुझे बताइए भाई ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। दोनों इंडियन इकोनॉमी पहले ही सिलेबस में पहले टॉपिक का नाम है ये, ओके। चैलेंजेस रहेंगे अभी, वल्नरेबल सेक्शंस, यस, ये देखिए, केयर इकोनॉमी, यस, ये देखिए, वल्नरेबल सेक्शंस स्टिल प्रॉब्लम में, सिक्स्थ, केयर बेस्ड इकोनॉमी को कोई पूछ ही नहीं रहा है, उसके बारे में देखिए। सिक्स तो चैलेंजेस हो गए, सात तो एडवांटेजेस हो गए, सात आठ नौ, ये देखिए, नौ एडवांटेजेस, छः चैलेंजेस, लिख दीजिएगा आप ठीक ठाक, आप लोग, मुझे विश्वास है पूरा आप लोगों के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइकल पात्रा, ये देखिए, कार्बन एमिशंस येट टू फुली डी कपल फ्रॉम जीडीपी ग्रोथ, डी कपल का मतलब होता है ये बढ़े तो ये घटे, डी कुपलिंग, तो कार्बन एमिशंस की क्या डीकुपलिंग जरूरी है अगर हमें क्लाइमेट चेंज रोकना है, तो ये देखिए, क्लाइमेट चेंज स्टॉप करना है, स्टॉप करने की कोशिश में है आप, तो डू वी नीड टू डीकपल, ये देखिए, डीकपल अलग हटना, ओके, कुपलिंग का मतलब होता है साथ चलना, तो डीकपल द जीडीपी ग्रोथ एंड कार्बन एमिशन, यस वी नीड इट स्टूडेंट्स, ये देखिए, फिलहाल ये हो नहीं रहा, ये देखिए, सो डीकुपलिंग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर, नोट कर लीजिएगा इसे। तो इंडियन इकोनॉमी, जीएसपी पत्री के ये दो टॉपिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में तोरखम बॉर्डर, इंडो यूएस रिलेशंस, इंडिया बांग्लादेश न्यूज़, और आइए आगे बढ़ते हैं, और क्या टॉपिक्स है देखा जाए, G7, और ये देखिए, दिस डीप फेक पढ़ा आपने गवर्नेंस में, और उसके पहले स्टूडेंट्स आपने पढ़ा केरल का ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधार ऑथेंटिकेशन पढ़ा आपने, आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स, जीएस पेपर वन, ये देखिए, इंडियन सोसाइटी का न्यूज़ है आज, आर्टिकल एडिटोरियल आया, एडिटर लिखते हैं तो एडिटोरियल होता है, वुमेन को लेकर और सैनिटेशन और हाइजीन को भी लेकर, ये देखिए, सैनिटेशन हाइजीन को लेकर, यस, ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने, देखते हैं स्टूडेंट्स, वुमेन इन रेड ऑन एन ऑप्टिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, यस, अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी शुड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विसेज, ओनली इन एन अनसीइंग वर्ल्ड वुड द जुडिशरी नीड टू सेट द गवर्नमेंट अ डेडलाइन टू डू द ऑब्वियस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव द सेंटर 4 weeks टू फाइनलाइज एन ऑप्टिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी, चिंता की बात है अभी तक हमारे पास ऐसी पॉलिसी भी नहीं है, विद फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, डू यू एग्री स्टूडेंट्स, वी नीड अ ऑप्टिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी, टेल मी, द CJI DY Chandrachud further directed the government to set down a national model for the number of girl toilets per female population across government aided and residential schools in the country. Menstruation is the reality of for women of a particular age demographic naturally involving a substantial percentage of half the population in the country, ye dekhi, isliye hame policy chahiye aur iske karan kya health par asar padta hai agar hygiene agar nahi वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं रहे, गर्ल्स टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं रहे स्कूल्स में कॉलेजेस में, तो क्या असर पड़ेगा हाइजीन पर, यस, ये देखिए, हेल्थ पर, यस,
इट इज़ ओनली नाउ ओवर थ्री क्वार्टर्स ऑफ अ सेंचुरी आफ्टर इंडिपेंडेंस, 75 साल हो गया, दैट इंडिया हैज कम क्लोजेस्ट टू इवन ड्रॉइंग अप अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी. While advancements over the years and expanding urbanization have brought menstrual hygiene products within reach of large group of young women, affordability is still an issue. Very, very important. Affordability is still an issue. इसीलिए तो सबसे बड़ी बात है sanitary napkins distribute किए जाएं, इसके लिए policy भारत सरकार की तरफ से आनी चाहिए. The evidence for this is an apodictic. As per the latest National Family Health Survey, 73% of rural women and 90% of urban women use हाइजेनिक मेथड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्शन. ये देखिए, ये सर्वे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आया था, देखिए. एंड उसमें से क्लोथ या लोकली प्रिपेयर्ड नैपकिन इस्तेमाल किए जाते हैं मैक्सिमम गर्ल्स के द्वारा रूरल एरियाज में. द सर्वे ऑल्सो रिवील्ड द क्लोज लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड प्रेफरेंस फॉर हाइजीन. वुमेन हु हैड रिसीव्ड 12 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आर मोर देन ट्वाइस एज लाइकली टू यूज अ हाइजेनिक मेथड कंपेयर टू दोज विद नो स्कूलिंग. Very important education, hygiene link, very important. An irrefutable link has been established between menstruation and dropping out of school because of stigma and patchy or no access to sanitation. Little has been done to address this. All these years reeks of callousness. Means delay kiya gaya, samay aa gaya. The center told the court that a draft policy had been circulated for comments from various stakeholders. And that it would be ready in 4 weeks. The policy is only half a revolution. To complete the circle, it is crucial the government ensures access to affordable menstrual hygiene products for all menstruating girls, but also clean toilets, water, wherever the woman may need them. Do you agree, students? ये देखिए, एक सवाल यहाँ बनता है. आज answer writing group पे लिखना है. Telegram channels के link दिए गए description box में, देख लीजिएगा. आंसर राइटिंग पर आना है और लिखना है इसका आंसर. एग्जामिन द नीड ऑफ अ नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी. ये देखिए पहला पॉइंट, ये देखिए स्टूडेंट्स. सेकंड पॉइंट, व्हाट दिस पॉलिसी इनिशिएटिव्स, व्हाट पॉलिसी, what should be the focus area kar dijiye, what should be the focus area of such a policy, focus area of such a policy. Isme ye important students, ye aa sakta hai Indian society mein agle saal mains mein. 10 marks 150 words, ye dekhiye, note kar lijiye, aa sakta hai aur aapko likhna padega. Do parts hai is question ke. Aur hygiene ka matlab keval sanitary napkins ka distribution nahi hai, इसका मतलब पानी का अवेलेबिलिटी भी है, वॉशरूम्स का कंस्ट्रक्शन भी है, स्पेसिफिकली वुमेन टॉयलेट्स का अलग से कंस्ट्रक्शन स्कूल्स और कॉलेजेस में कितने हो रहे हैं ये भी चेक करना ज़रूरी है. इसके अलावा अवेयरनेस भी है, इसके अलावा दिस अवेयरनेस के अलावा स्टूडेंट्स एजुकेशन भी, एजुकेशन एंड हाइजीन का देखिए लिंक आपने देखा अभी. यस, इट कैन बी लिंक्ड इन सोशियोलॉजी ऑप्शन ऑल्सो स्टूडेंट्स. यस, तो यही है स्टूडेंट्स आज के सेशन में. कल के कुछ एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स रह गए हैं, शाम तक या कल तक हम लेंगे, चिंता मत कीजिए. एक एडिटोरियल आर्टिकल कल का था, कॉलोनियल हिस्ट्री, मिस्टर शशि थरूर ने लिखा हुआ है, तमिल के इंडेंचर्ड लेबरर्स जो श्रीलंका गए थे, डिस्कस करेंगे इतिहास के पन्नों से इस टॉपिक को. श्रीलंका में चाय कहाँ होती है और कॉफ़ी कहाँ होती है, इसके साथ डिस्कस करेंगे. फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है. You can see the news which we discussed, menstrual hygiene policy. Second, we discussed students the topic of Aadhaar authentication. We discussed organic farming mission, Kerala, deepfake. We discussed Agartala Akhaura link. We discussed. We discussed Gaza Patti and G7. We discussed the topic of article published over India's economic growth. We discussed, apart from the students, decoupling. We discussed Indo-US relations. We discussed Turkham border. Discuss to kar liya gaya. Dhanyavaad aap sabhi logon ka sunne ke liye. Aur ek session ka link main shaam tak put up karunga students. Sabko Dhanteras ki shubhkamnaen. Aapka aane wala samay pura shubh ho. Aur aap log 2024 ka exam pura qualify kar lijiye. टॉप 10 रैंक्स के साथ में, टॉप 20 रैंक्स के साथ में, आपको जो रैंक चाहिए वो मिल जाए.
यही शुभकामनाओं के साथ आई विल एंड द सेशन एंड दोज हु नीड द दिस PDF ऑफ दिस सेशन दे कैन कम अप ऑन द टेलीग्राम चैनल विच हैज बीन पोस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन सी इट, फॉलो इट, ज्वाइन इट स्टूडेंट्स. एंड यस, दोज हु नीड टू ज्वाइन सक्षम कोर्स और संकल्प टेस्ट सीरीज दे कैन कॉन्टैक्ट अप ऑन द मोबाइल नंबर्स गिवन आउट हियर 9988-7354 9988-7358 के ऊपर ये देखिए संपर्क कर सकते हैं. दैट्स इट, टेक केयर.